सनी देओल की हाल ही में रिलीज हुई गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। हर तरफ गदर 2 का डंका बज गया। दर्शकों ने सनी की इस फिल्म को और एक्टर को ढेर सारा प्यार दिया। लेकिन अगर सनी देओल के बेटे की बात करें तो उनका हाल बेहाल है। हाल ही में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई सनी देओल के बेटे राजवीर देओल की डेब्यू फिल्म में दोनों बॉक्स ऑफिस में बुरी तरीके से पिटती नजर आ रही है। फिल्म का कलेक्शन तो सामने नहीं आया, लेकिन खुद को क्रिटिक कहने वाले कमाल आर खान ने ट्वीट कर ये दावा किया, दोनों बुरी तरह पिट रही। क्यारके ने ट्वीट कर लिखा, सनी देओल के बेटे की फिल्म दोनों बर्बाद हो गई। शनिवार को सिर्फ 42 और रविवार को 43, मुझे यकीन है ये टिकट भी किसी प्रोड्यूसर ने ही खरीदे होंगे। बता दें, इस फिल्म के साथ न सिर्फ सनी देओल के बेटे राजवीर ने डेब्यू किया, बल्कि उनके साथ पूनम ढिल्लन की बेटी पलोमा ढिल्लन ने भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है। बता दें, जाने माने डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के बेटे अवनीश एस बड़जात्या ने डायरेक्ट किया। सूरज ने इस मूवी के साथ बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया। सूरज बड़जात्या ने फिल्म इंडस्ट्री को हम आपके हैं कौन, प्रेम रतन धन पायूं, मैंने प्यार किया जैसे हिट फिल्में दी। हालांकि उनके बेटे की डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरती नजर आई। खबरों की माने 20 करोड़ के बजट में बनी दोनों पहले दिन 1 करोड़ भी नहीं कमा पाई है। कहने के लिए इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कई सारी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन परफॉर्मेंस का दम शायद किसी किसी में ही है। इन नई फिल्मों में एक फिल्म सनी देओल के बेटे राजवीर देओल की भी आई, जिससे उन्होंने डेब्यू किया। राशि प्रोडक्शन की इसी फिल्म से सूरज बड़जात्या के बेटे अवनीश बड़जात्या ने डेब्यू किया। सनी देओल के बेटे राजवीर देओल और पूनम ढिल्लो की बेटी पलोमा ढिल्लो के साथ अवनीश की इस डेब्यू फिल्म पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर सकी। इस फिल्म ने पहले दिन ओपनिंग पर केवल 35 लाख रुपए की कमाई की। वही कहा जाता है कि इसने वर्ल्ड वाइड 41 लाख रुपए कमाई की। अब ये आंकड़ा देखने वाली बात है कितना सच है और कितना नहीं। बता दें, अवनीश एस बड़जात्या के डायरेक्टोरियल डेब्यू दोनों को काफी धूम से रिलीज किया गया। इस फिल्म के टीजर और गाने में राजवीर परोमा की रोमांटिक केमिस्ट्री खूब दिखाई गई। कहा जा रहा था राशि प्रोडक्शन के 76 साल पूरे होने पर रिलीज हो रही ये फिल्म दोनों राष्ट्रीय की सेलिब्रेशन फिल्म है। देश का सबसे पुराना प्रोडक्शन हाउस अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहा, क्योंकि अब राष्ट्रीय की चौथी पीढ़ी इसके कमान को संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार। इस फिल्म को कमल कुमार बड़जात्या, स्वर्गीय राजकुमार बड़जात्या, अजीत कुमार बड़जात्या ने प्रोड्यूस किया। हालांकि बताया भी गया कि 5 अक्टूबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म में दोनों को पहले सीमित स्क्रीन पर ही प्रदर्शित किया गया। जैसे जैसे फिल्म में रफ्तार पकड़ेगी, स्क्रीन की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। दोनों देश भर में केवल 273 स्क्रीन पर रिलीज की गई है।